नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस में। मैं हूं आलोक शुक्ला और आपके लिए लेके आया हूं खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ के लिए 25 दिन का स्ट्रेटजी स्टडी प्लान, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी इन अंतिम दिनों में। एक बात तो आपको एकदम पता है कि ये प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है और 6 महीने का गैप मिलेगा आपको मेंस की परीक्षा के लिए। ऐसे में जब आपकी परीक्षा का डेट इतना नजदीक हो यानी कि 22 मार्च में आपका पेपर प्रस्तावित है और इतने कम समय में आप इतने दिन से जो मेहनत कर रहे हैं उसे कैसे फाइनल टच दें, उसमें कैसा अपना अंतिम रूप दें और कितनी बेहतर तरीके से दें, ये आपको समझना और जानना दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए हमेशा की तरह जितने भी आपके परीक्षाएं होती हैं उसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी रिकॉर्ड है कि बेस्ट स्ट्रेटजी जिसे फॉलो करके बच्चे हमेशा अच्छा फील किए हैं, परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं और एक बार फिर हम वही करेंगे। लास्ट टाइम की जो स्ट्रेटजी होती है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमारा माइंड सेटअप क्या होना चाहिए, हमारा टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, हमें कंपटीशन कैसे बीट करना चाहिए, एक एक बात की जो वैल्यू होती है सारे पॉइंट को हम ध्यान में रख के डिस्कस करेंगे। मैं आपका बहुत ज्यादा समय तो नहीं ले जाऊंगा लेकिन फिर भी आपसे आधे घंटे 40 मिनट में सारी चीजें बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करूंगा। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का 25 डेज स्टडी प्लान एंड स्ट्रेटजी। क्या आपकी बेस्ट रणनीति होनी चाहिए 25 दिनों के लिए? आज 27 तारीख है, 22 तारीख को आपकी परीक्षा निर्धारित है, आपका इधर 2 दिन बचा, 27 मान लीजिए, आज तो चला ही गया, कुछ घंटे बचे हुए हैं, 28-29 दो दिन इधर और 21 दिन उधर, तो 21-23 और अगर आज का और 22 का ले ले तो 25 दिन पूरे होते हैं। कहने को 25 हैं लेकिन आपके पास 23 दिन मात्र हैं, ठीक है ना। अब आप इसे 25वां दिन कैसे यूज करते हो और आज का दिन कैसे यूज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हम सभी को जो भी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा देने जा रहे हैं हर उस अभ्यर्थी को एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये पेपर जो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये पेपर का नेचर जो है वो क्वालिफाइंग है। मतलब कि आपको केवल कट ऑफ क्लियर करना है मेरिट के हिसाब से, आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं करना है। इसका मार्क्स आपके लिए एकदम मायने नहीं रखता है कि आप मार्क्स कितना पा रहे हो, मायने रखता है कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि सारा जो मार्क्स का इवेल्युएशन होगा वो मेंस के पैटर्न पे होगा, मेंस के पेपर पे होगा। तो अगर ये क्वालिफाइंग है और आपको ये भी पता है क्योंकि आप इतने देर से तैयारी कर रहे हो तो 120 क्वेश्चन का ये आपका पेपर होगा, 120 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो आपका 2.5 मार्क्स का है, 2.5 नंबर का है और निगेटिव इसका 1/3 है, मतलब कि 0.833। तो जब आपका 120 प्रश्न है और आपको क्वालिफाई करना है तो मैं एक बात आपसे बताऊंगा, कोई भी परीक्षा हो, कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, अगर वैकेंसी ठीक ठाक है तो जो आपका कट ऑफ जाता है वो बहुत अगर चला जाता है तो 75%। ये 75% उस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं जहां पे कंपटीशन लेवल हाईएस्ट होता है और बच्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत दिन बाद वो परीक्षा हो रही होती है। लेकिन ऐसे पेपर में जहां पे बच्चे उतने ज्यादा ना हो, ऐसे पेपर में जहां पे सीटों की भी संख्या ज्यादा हो, ऐसे पेपर में जो केवल राज्य स्तरीय हो, खासकर उत्तर प्रदेश, और उसमें भी एक उसमें फिल्टर और लग गया क्या कि केवल और केवल बीएड वाले, तो कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं केवल बीएड वालों के बीच में है, कॉम्पिटिशन आप जैसे लोगों के बीच में ही है, कॉम्पिटिशन का लेवल बाकी परीक्षाओं से जिन्हें बहुत बड़ी परीक्षा बोल सकते उससे थोड़ा सा कम है। तो जाहिर सी बात है 75% तो कट ऑफ नहीं जाएगा, 75% से कम आएगा। मैं अगर 70% भी कट ऑफ ले लूं, एकदम सेफ जोन, ऐसा भी नहीं कोई थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेंगे हम, थोड़े से सेफ जोन में चले, तो 70% अगर ले ले तो भी 84 क्वेश्चन होते हैं, हम इसे 85 क्वेश्चन बोलते हैं। अगर आप 120 में से 85+ क्वेश्चन सही कर ले गए पेपर में तो ये आपको सिलेक्शन दिला देगा, है ना।
आप ऐसे मत देखो, आप ये देखो कि कोई भी आपकी पीसीएस की परीक्षा होती है, यूपीपीएससी पीसीएस 2020 का देखें, 2018 का देखें, जो यूपीपीएससी आयोग करा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें आपके 150 में से 95-96 ऐसे कट ऑफ जाते हैं, 100 का भी नहीं पहुंचता है, वो कितना हुआ 60%। तो मैं तो 70% बहुत ज्यादा लेके चल रहा हूँ, बहुत सेफ जोन में आपको लेके चल रहा हूँ, जो आपका कट ऑफ जाएगा वो 75 से, मैं कट ऑफ ऐसे नहीं कुछ कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ 75 to 85 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करके आए आओगे पेपर में, तो ये आपके लिए गुड स्कोर होगा, सेफ स्कोर होगा। और हमें सेफ स्कोर के हिसाब से ही अपनी रणनीति बनानी है, क्यों? क्योंकि हमारा जो पेपर है क्वालिफाइंग है, तो सेफ स्कोर तो हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे कैसे करना है, लेकिन आखिर इस सेफ स्कोर के लिए हम करें क्या, क्या ऐसा करें वो भी जब हमारे पास समय इतना कम बच रहा है, 23-24 दिन मात्र हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे इतने क्वेश्चन तो सही हो जाएं। तो बस इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक बात बताता चलता हूँ और एक एक छोटी छोटी पॉइंट भी डिस्कस करता चलता हूँ कि क्या आपके लिए जरूरी है, क्या आपके लिए जरूरी नहीं है। एक बात तो आप समझिएगा, 120 क्वेश्चन का पेपर है, 120 क्वेश्चन का पेपर है, आपको 120 करने की तो जरूरत है ही नहीं, है ना। मैक्सिमम बच्चे क्या परेशान होते हैं कि यार 120 प्रश्न है, मुझे पूरा करना है, कैसे होगा क्या होगा। नहीं, आपकी रणनीति ही ऐसी होनी चाहिए, आपको तो केवल 80 क्वेश्चन पे फोकस करना है भाई, 80 से 90 क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हो सही सही, 80-90 सही करने के लिए आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गया होगे, बहुत ज्यादा है। एक्यूरेसी मैटर करती है, यही नहीं हर एग्जाम में एक्यूरेसी आपको ध्यान देना है, और तब जब आपके पास मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट हों, क्योंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग का भी वेटेज है, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो 120 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। और दूसरी बात, अगर मैं ये कह रहा हूं कि सपोज करें 85 क्वेश्चन ही कट ऑफ चला गया, 85 क्वेश्चन 85 पे मान लीजिए क्वालिफाई कर गए आप, तो बाकी 35 क्वेश्चन आपको करने की क्या जरूरत है भाई। और अगर ये 35 क्वेश्चन आप मान लो कर भी लिए, तो कोई नोबेल प्राइज मिलने नहीं जा रहा है, इस पे रैंक आधारित नहीं होगा, रैंक इस पे नहीं बनेगी, उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग आपको 85 पे लगाना है। और 85 क्वेश्चन पे कैसे दिमाग लगाना है समझिए, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे लास्ट टाइम में, क्या करते हैं, उनके दिमाग में पहला प्रेशर तो होता है कि यार समय सारा निकल गया और बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, ये आपके दिमाग से एकदम निकलना चाहिए। अभी आपने भाई जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी पूरा पढ़े, फरवरी पूरा पढ़े, और मार्च के 22 तक आपको करीबन 2.5 से 3 महीने का समय मिला था, जब से आपका नोटिफिकेशन आया था, आपका जनवरी के लास्ट वीक में ही पता भी चल गया था कि 22 मार्च को पेपर है। तो जाहिर सी बात है पिछले 2 महीने में आप इतना पढ़ लिए हो जो मोर देन सफिशियंट है, और अगर कम समय मिला तो वो केवल आपके लिए नहीं मिला, आपके साथ जितने अभ्यर्थी हैं सभी को उतना ही समय मिला है। दूसरी बात ये, यहाँ पे कहीं अलग से कोई ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ा दिया है कि जिसे बहुत ज्यादा नॉलेज हो, सब आप ही जैसे लोग हैं, सभी बस थोड़ा सा कोई ज्यादा है 20 है तो हो सकता है आप 19 हो, लेकिन वो 19-20 का डिफरेंस तब क्रिएट किया होता, तब मैटर करता जब ये आपका मेन परीक्षा होती, मेन तो है ही नहीं, ये तो क्वालिफाइंग है, तो वो 19 भी 20 है और वो 20 भी 19 है, इस बात को आप समझिएगा। तो डरने की कोई बात नहीं, आप एकदम सेफ हो। अब हमारे पास बस ये होना चाहिए कि हमें क्या एग्जैक्टली पढ़ लेना चाहिए। तो मैं एक बात बोलूंगा कि भाई अगर 85 हमें स्कोर करना है तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए अंतिम समय में, जिसके भी दिमाग में ये बात हो कि पूरा सिलेबस पढ़ा है, हमने कुछ कवर नहीं किया है, तो एकदम निकाल दो। अगर आप पढ़े हो तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आपको सारे टॉपिक को देखने की जरूरत नहीं है, ये अंतिम समय होता है। और यूपीपीएससी आयोग जैसे परीक्षाओं के लिए जहां पे आपका 30 से 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, वहां पे तो एकदम जरूरी नहीं होता है, वहां पर पता होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा किस स्तर का प्रश्न पूछेगा और क्या पूछेगा। जैसे साइंस, कुछ ऐसे पोर्शन हुए साइंस में वो कुछ अलग नहीं कर सकता, एकदम वो एक क्वेश्चन डिजीज से देगा, कंफर्म देगा, एक क्वेश्चन विटामिन से देगा, उसके साइंस का मतलब पूरा बायो होता है, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन देगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन देगा, हार्ट से देगा, किडनी से देगा,
थोड़ा बहुत प्लांट से क्वेश्चन देगा, गैस से क्वेश्चन देगा, उसके साथ 8 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कंफर्म है, यही आने वाला है, इससे कुछ बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि आज का नहीं, वो 10 साल से नहीं बदला तो एक पेपर में क्यों बदल देगा। एक्चुअली क्या होता है ना, हम बिलीव नहीं कर पाते हैं, हम ट्रेंड पे बिलीव नहीं कर पाते हैं, हम सामने वाले सीनियर पे बिलीव नहीं कर पाते, हम अपने गुरु पे बिलीव नहीं कर पाते, अपने आगे सोचते ऐसा ना हो कि ये झूठ बोल रहा, ऐसा ना हो ये हमें धोखा में दे, ऐसा कुछ नहीं है यार, जो 10 साल से नहीं बदला है वो क्यों बदलेगा। और मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अगर बदल भी गया तो नहीं करते तो आप क्या कर लेते, आगे बात समझ में, बस इतना कहना चाह रहा हूं कि एक बार फॉलो करें आप, जरूर सफलता मिलेगी। तो 85 क्वेश्चन आपको करना है, कैसे करना है, अभी हम पोर्शन, बड़े बड़े पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, आपका जो ये परीक्षा है BEU, ये पहले SDI के नाम से परीक्षा होती थी, और एक पेपर आपका 2006 में था, इसका जो पेपर हुआ था वो 2008 में हुआ था, और दूसरी परीक्षा आपका 2003 में था जिसका पेपर 2005 में हुआ था। ये दो अलग अलग पेपर थे। 2008 में पैटर्न ये था, इसमें दो पेपर होते थे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर में क्या होता था कि आपका GS होता था प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग होता था, और सेकंड में केवल हिंदी होता था और मैथ्स होता था। और मजे की बात यह है कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग 50 क्वेश्चन होते थे और GS 100 होते थे, और यहाँ पे हिंदी 100 होते थे और मैथ्स 50 होते थे। अभी आप समझ लो कि मैथ्स रीजनिंग का वेटेज पहले कितना ज्यादा था। 2005 में ये केवल एक पेपर आ गया, करीबन 135 क्वेश्चन का पेपर होता था, तो बहुत ज्यादा का नहीं था 2005 वाले में। तो 2005 में जो पेपर हुआ था उसमें भी मैथ रीजनिंग था, लेकिन उसमें GS का पोर्शन, रीजनिंग तो एकदम नहीं थी, GS का जो पोर्शन था वो थोड़ा बढ़ाया था, हिंदी भी बढ़ाया था थोड़ा। लेकिन अभी सीन एकदम अलग है, अभी आपको पैटर्न तो नहीं एग्जैक्टली पता, लेकिन सिलेबस सारा पता है, वो 11 पॉइंट उसने डिपिक्ट किया था सिलेबस में, और हमें सिलेबस के हिसाब से चलना है। लेकिन उसने दो पॉइंट जो लास्ट में पॉइंट नंबर 10 और 11 किया है, मैथ्स और एलिमेंट्री मैथ्स और रीजनिंग, इस पॉइंट को किया है, तो हम इससे थोड़ा इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 33% मतलब एक तिहाई मैथ और रीजनिंग था तो यहाँ भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे एक तिहाई निकाल लिए 120 का तो 40 प्रश्न हो जाएंगे। 40 प्रश्न तो नहीं पूछने वाला, लेकिन 20 के आसपास भी, 20 से कम भी नहीं पूछेगा, तो मान के चलिए 20 से 30 के बीच में क्वेश्चन ये हो सकता है, 23, 24, 25 भी पूछ सकता है, 30 भी पूछ सकता है, 20 भी पूछ सकता है, तो हम थोड़ा बड़ा रेंज ले रहे हैं, 20 से 30 के बीच में आपको माइंड मेकिंग करके चलना है कि मैथ्स और रीजनिंग का होगा। तो ये पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है, मैं थोड़ा टॉपिक डिस्कस करता चलता हूँ क्या क्या पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो मैंने डिस्कस कर लिया कि मैथ्स प्लस रीजनिंग का पोर्शन आपका, मैं एवरेज 25 ले लूं तो ये आपका मैटर करता है 25 क्वेश्चन का। दूसरा जो पोर्शन है सबसे बड़ा करंट, किसी भी एग्जाम में, आज के किसी भी एग्जाम में, किसी भी आयोग की परीक्षा में करंट का रोल सबसे ज्यादा है, और हम सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट इसी को करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते नहीं, लेकिन हमारे पढ़ने का तरीका करंट का सबसे गंदा होता है। एक तो बात होता है कि हम करंट को सबसे अंतिम दिनों के लिए रखते हैं, क्या करते हैं, पॉइंटर खरीद लाते हैं, एक साल का घटना साल ले आएंगे या घटना चक्र का पॉइंटर ले आएंगे, और उसके बाद बोलेंगे पतली सी किताब है, एक दिन लगेगा पढ़ने में। वो आप क्या कर देते हो कि परीक्षा के दिन जब आप ट्रेवल कर रहे होते हो, हो सकता है आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो या सकते कहीं जाते हो, तो आप, आपके दिमाग में रहता है कि हम ट्रेन में पढ़ लेंगे, बस में पढ़ लेंगे, वहां पहुंचेंगे तब पढ़ लेंगे, या उसके रात में पढ़ लेंगे, या पेपर देने के सुबह पढ़ लेंगे, इतना कवर कर ले जाएंगे। ये सारी चीजें सबसे ज्यादा घातक है आपके लिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट टॉपिक, उसे आप हमेशा अंडर एस्टिमेट करते चलते हो। किसी भी बच्चे को जो पढ़ने का नेचर होता है ना, वो इवन इतना इमोशनली अटैच होता है, मैं इस वर्ड के भी थोड़ा डिस्कस करूंगा इमोशनली अटैचमेंट का, इतना इमोशनली अटैच होता है अपने सब्जेक्ट से कि पूरे प्रिपरेशन का करीबन 50-60% टाइम वो देता है किसी हिस्ट्री को। कारण क्या है भाई, इसमें कहानी है और कहानी ही समझ में आती है, बाकी ना मैथ समझ में आए, ना रीजनिंग समझ में आए, साइंस भी जहां पे फिजिक्स आ जाती है नहीं समझ में आता है, बायो में पादप जगत प्लांट में चले जाते हो तो समझ में नहीं आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है, वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो बचा कुचा एक हिस्ट्री यही समझ में आता है, और यही आप पढ़ते रहते हो और यही पे आप फेल हो जाते हो। ये यहाँ पे जब 50-60% अपने प्रिपरेशन का हिस्ट्री में देते हो, वहीं पे आपका फेलियर शुरू हो जाता है। इस पोर्शन को तो पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना इसमें क्या है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री,
केवल मॉडर्न हिस्ट्री पे समय देना है और पूरी प्रिपरेशन का केवल 20% देना था। खैर अभी तो जो हो गया वो हो गया, अभी हम बात करेंगे कि इस समय पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो करंट की हम बात कर रहे थे, करंट आपको अभी से डेली, और याद रखिए करंट में सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप केवल पॉइंटर या कोई भी मैगजीन लेके आते हो उसे एक बार पढ़ के चले जाते हो, मैक्सिमम दो बार पढ़ के चले जाते हो, और करंट ही ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा आपको निगेटिव दिलाता है। अब कोई भी पेपर तो सब लोग दे रहे होंगे और जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी पेपर भरे होंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अपनी जिंदगी में इससे पहले 3 से 4 पेपर तो दे चुके होंगे। 3 से 4 पेपर में आप खुद पे एनालाइज करो कि सबसे ज्यादा गलत आप किस पोर्शन में किए हो, वो होगा आपका करंट। अब मैं बताता हूँ कि गलती करने का कारण क्या था। कारण ये था कि आप या तो एक बार पढ़े थे, हो सकता है वो भी पूरा ना पढ़ पाए हो, और कोई थोड़ा बस सेंसिबल रहा होगा तो एक बार पढ़ लिया होगा तो दूसरी बार पूरा नहीं पढ़ पाया होगा, जबकि ये ऐसा टॉपिक है कि मिनिमम आपको 5 टाइम पढ़ना है, 5 गुना समय देना है इस पे। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, अगर आप डेली खबर पढ़ते रहते हो, डेली करंट अफेयर फॉलो करते रहते हो, तो आपको ये 5 गुना पढ़ने में समय नहीं लगेगा, ये बात एकदम तय है। और आप कभी नहीं पढ़े हो तो फिर आपको 5 बार पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं बनेगा, इसलिए डेली करंट तो आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर आपको करंट तैयार करना है तो करंट तैयार करने का सबसे सही तरीका होता है थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो। अभी भी 22 दिन है, अगर आप दिन के 2 घंटे भी करंट में देते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और कम से कम 5 बार पढ़ के जाते हो, और उसके बाद करंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सबसे ज्यादा जरूरी होता है करंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। बच्चे यहाँ पे अंडरएस्टिमेट करते हैं कि करंट के कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। मैं बताता हूँ, कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए, है ना, टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा जरूरी है लास्ट टाइम में आपको प्रिपरेशन करने के लिए, और खासकर करंट बेस्ड टेस्ट सीरीज हो तो वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए, है ना। परीक्षा प्लस के बहुत सारे हम लोग तो बनाते ही हैं, पूरा केवल क्वेश्चन फॉर्मेट में ही पूरा बनाते हैं। 600 प्लस की करंट सीरीज चल रही है, आप केवल उससे देख लो, वहां पे करते चले जाओ, उससे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। तो करंट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको करके चलो, क्यों क्वेश्चन करो। अभी क्या होता है, ये ऐसी चीज है ना कि आप एक साल की खबर मात्र आप 5 दिन में कंज्यूम करते हो। अब ऐसा क्वेश्चन कोई आता है कि मान लीजिए कहीं पे कोई भी नया नियुक्त हुआ है ना, अब वो पूछ लेगा कि फलाने आयोग का चीफ कौन नियुक्त हुआ है, वो 4 नाम दे देगा और वो 4 नाम किसी ना किसी आयोग के चीफ नियुक्त हुए, अभी जैसे मास्टर कार्ड का अभी कल नियुक्त हुए हैं, ऐसे किसी कंपनी का पूछ लिया कि इसके सीईओ कौन बने हैं और वो 4 नाम दे दिया, अब आप वहीं पे कंफ्यूज होगे। जैसे ऑप्शन देखोगे बोलोगे अरे मैंने तो ये भी पढ़ा था, कंफ्यूज होगा, और कंफ्यूजन के चक्कर में ही गलत करोगे। इसी कारण करंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होता है। दूर कैसे होगा, ये दूर होगा कि आप उसे 5 बार पढ़ो, चीजें पता हो जाए कि एग्जैक्टली क्या कहां पे है, उसके बाद उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसका सबसे सही तरीका है टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, या करंट बेस्ड जो एमसीक्यूज होते हैं उन्हें आप सॉल्व करो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो करंट के अगर हम क्वेश्चन के डिवीजन का बात करें तो 120 में से 15 से 17 क्वेश्चन करंट का कहीं नहीं गया है। हम भी जो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं उसमें कभी 15, कभी 16, कभी 17 ऐसे बदल के रख रहे हैं सब में, और 15 से 17 के बीच में ही करंट अफेयर्स आपका होगा। हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, वो है आपका पॉलिटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जो बोल दे रहा हूँ, आप लास्ट टाइम में केवल इतना पढ़ के चले गए ना, कोई आपका सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता, गारंटी मैं दे रहा हूँ इस बात का। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस सबसे ज्यादा कम है, सिलेबस सबसे ज्यादा कम होने के कारण आप इसे कम समय में पढ़ सकते हो, और दूसरी बात ये स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब ये डायनेमिक नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई आंकड़ा है कुछ ऐसा है कि आप कुछ पढ़ के गए और वहां पे कुछ पूछ लिया और आप कंफ्यूज होकर चले आए, जैसे ज्योग्राफी में होता है, इकोनॉमी में होता है, करंट में होता है, वो सब डायनेमिक चीजें होती है, चेंज हो रही होती है, है ना। कभी कोई मिनरल आगे चला गया, कोई प्रोडक्शन आगे चला गया, कभी चाइना आगे चला गया किसी प्रोडक्शन में, कभी इंडिया आगे चला गया, कभी ऑस्ट्रेलिया आगे चला गया। लेकिन पॉलिटी में जो है वो है, जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है तो वो है ऑलरेडी, और वहीं से करंट पूछेगा, अनुच्छेद से पूछेगा, फंडामेंटल राइट से कंफर्म एक क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है आपके किसी समिति से क्वेश्चन पूछ ले, कंफर्म है वहीं से पूछेगा, वो स्टैटिक है और कम है। इसलिए आप लास्ट टाइम में ये पढ़ो और कम से कम 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटी कवर करेगा पूरे 120 में। हमारा टारगेट क्या है, 85 to 90, और देखिए मैं बहुत आराम से आपको ये टारगेट टच कराऊंगा, बहुत आराम से टच कराऊंगा। पॉलिटी के 10 हो गए, 25 क्वेश्चन यहाँ, हम यहाँ पे 15 ही मिनिमम मान ले, 25, 5, 30, 10, 40, 10, 50, केवल 3 पोर्शन कवर किए हैं हम, कितने पहुंच के 50, समझ रहे हैं? आपको करना कितना है,
35 से 40 क्वेश्चन और कवर करना है और पूरा का पूरा सिलेबस पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन आप इस पे कभी ध्यान ही नहीं देते हो। अभी क्या पढ़ना है? चौथे पे। इसके अलावा जो आपको समय देना है चौथा, वो है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी में यहाँ पे थोड़ा पहले रखा हूँ। अभी तक स्ट्रेटजी डिस्कस करता था उसमें मॉडर्न इंडिया को मैं ऊपर रखता था, लेकिन यहाँ पे इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपका आयोग जो है वो यूपीपीएससी है। यूपीपीएससी आपका करा रहा है और 2019 की परीक्षा देख ले या 2018 की परीक्षा देख ले, ज्योग्राफी उसका फेवरेट बन गया है। तो वही आयोग फिर से करा रहा है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों मिला के क्वेश्चन देंगे, लेकिन फिर भी वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसके लिए मैं अभी लास्ट में बताता हूँ क्या करना है। इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है और इंडियन ज्योग्राफी से कुछ नहीं तो 8 से 9 क्वेश्चन बहुत आराम से बनेंगे आपके। लेकिन कुछ ही चीजें होती है इसमें, जैसे आप पर्वत पढ़ लिए, पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ लिए, नदियां आप पढ़ लिए, सॉइल पढ़ लिए, मिट्टी या मृदा पढ़ लिए, है ना, पठार थोड़ा बहुत पढ़ लिए, दर्रे पढ़ लिए, यही 4-5 टॉपिक हैं। नदियां पढ़ लिए, यही मुश्किल से 4-5 टॉपिक है अगर इतना आप कवर कर ले। भाई क्या है ज्योग्राफी में? रिवर पढ़ लीजिए आप, माउंटेन पढ़ लीजिए, प्लेटू पढ़ लीजिए, है ना, सॉइल पढ़ लीजिए, इतने ही तो मेन टॉपिक है। इसके बाद थोड़े छोटे मोटे दर्रा होता है, दर्रा पढ़ लो, बस ये 4-5 टॉपिक हैं आपके। इससे ज्यादा तो आपके टॉपिक ही नहीं है इंडियन ज्योग्राफी में। जो आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसके लिए बहुत परेशान मत हो कि कहाँ पे खनिज उत्पादन है, कहाँ पे ये उत्पादन है। डायनेमिक होता है, वहां से चीजें गलत होती हैं। लास्ट टाइम में हमें ऐसे आंकड़ों पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। स्टैटिक, रिवर आपका स्टैटिक है, माउंटेन आपका स्टैटिक है, प्लेटू आपका स्टैटिक है, सॉइल आपका स्टैटिक है, दर्रा आपका स्टैटिक है, और यहां से स्टैटिक क्रूड टाइप में मैचिंग टाइप में क्वेश्चन बना लेते हैं या कॉन्सेप्चुअल भी कभी कभी रख देते हैं। यहीं से कम 8 से 9 क्वेश्चन फंस जाएंगे। केवल इतनी टॉपिक कवर करना है ज्योग्राफी में, ज्यादा कुछ करना ही नहीं, फिर भी आप परेशान रहते हो पता नहीं क्यों। इसके बाद में 5वें नंबर पे प्रायोरिटी पे रखूंगा मॉडर्न इंडिया। अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लेते हो तो 8 क्वेश्चन मिनिमम के यहां से भी कवर कर लो। मैं 8-8 मिनिमम ले लूं, कितना हो गया? 16 हो गया भाई। 50 क्वेश्चन वो हो गए थे, मैं अलग लिखते चल रहा हूं, 16 क्वेश्चन यहां पे हो गए, 66 क्वेश्चन पे आप पहुंच गए हो। पढ़े क्या हो अभी? मुश्किल से 5 टॉपिक पढ़ो। अभी बताऊंगा भी कि एग्जैक्टली जैसे मैथ रीजनिंग का मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है, पॉलिटी कहां से पढ़ना है, थोड़ा बहुत मैं सोर्सेस के बारे में बताऊंगा, लास्ट टाइम में क्या सोर्सेस आपके पास होनी चाहिए। 5 मिनट उसमें समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। अभी देखते हैं कौन कौन से टॉपिक ज्यादा कवर करनी है। इतने पोर्शन में अगर आप रिवाइज करने बैठ जाओगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, 7 से 8 दिन में ये सारे के सारे टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। और इतना ही करके आप 66 क्वेश्चन पहुंच गए हो, समझ रहे? मोर देन 50%, 60% के 12×72 है ना, करीबन 55 से 60% आपने कवर कर लिया है केवल इससे। अब आपके पास और भी बहुत सारे टॉपिक हैं छोटे छोटे, जैसे हिस्ट्री में आपका मेडिवल और एंशिएंट पढ़ा है, लेकिन अभी मैं उसके लिए बात नहीं करूंगा। ज्योग्राफी में वर्ड की बात है, लेकिन अभी उसकी भी बात नहीं करूंगा। इतना कवर करने के बाद अगर आप कुछ उठाना चाहते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा आप हिस्ट्री में अगर फेवरेट के हिसाब से अगर आपको अच्छा लगता है तो मेडिवल या एंशिएंट पहले पढ़ डालो, या उससे एक बड़ी सॉरी यहाँ पे एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, साइंस ये पोर्शन मेजर है, साइंस और एनवायरमेंट है ना, साइंस और एनवायरमेंट यहाँ पे ये पोर्शन मेजर है। अभी यही आपको पूरा सिलेक्ट करवा देगा, केवल इतने टॉपिक आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। कैसे दिलवाएगा? साइंस में अगर हम पीसीएस के परीक्षाओं को देखें या यूपीएससी आयोग के सारी परीक्षाओं दिखाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल लगता है। लेकिन साइंस में पढ़ना क्या है? केवल साइंस में केवल है बायो, और जितना समय आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए सोच के रखते हो ना, उतना इसी का एक रिलेटेड टॉपिक होता है एनवायरमेंट इकोलॉजी। और अगर साइंस और एनवायरमेंट के क्वेश्चन को मिला ले तो 120 में से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, दोनों को मिला ले। साइंस के करीबन, बायो की बात कर रहा हूं, कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन होंगे, 10 से 12 चलिए मैं मिनिमम लेके चलता हूँ, सेफ साइड में रहेंगे, 10 से 12 लेके चलते हैं। और एनवायरमेंट के भी 6 से 7 क्वेश्चन आराम से रहेंगे, मैं फिर भी 5 से 6 लेके चल रहा हूँ, एकदम सेफ जोन में हम खेलेंगे। आगे बात समझ में? 66 क्वेश्चन यहां हो गए थे, 15 और जोड़ दीजिए, 15 इसमें और जोड़ दीजिए, तो यहां पे हो जाएगा 66, 10, 76 और 5, 81, 82 क्वेश्चन हम पहुंच गए। मैंने क्या बोला था? 85 से 90। मैंने ये भी बोला था कि 80 प्लस अगर आप करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? 12, 77, 84 70% की बात कर रहा हूं, वो भी हाईएस्ट कॉम्पिटिशन में, आप अभी भी 82 पहुंच गए और कितना टॉपिक पढ़े हैं? मुश्किल से 5। यही इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, और ये लास्ट के जो आपके 23 दिन बच रहे हैं ना, 23 दिन में कम से कम 3 बार पढ़िए।
लास्ट टाइम में आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए। किताबें एक पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, 10 रिसोर्स 10 किताबों से कुछ नहीं होने वाला है। केवल और केवल आप कंफ्यूज होगे, एक क्वेश्चन के पीछे आप लोग पढ़ जाते हो और इसके चक्कर में 10 किताबें पढ़ डालते हो। थोड़ा कभी ये पढ़ लोगे, कभी लगेगा पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ लें, कभी लगेगा नहीं एनसीईआरटी साल्ट पढ़ लें, कभी लगेगा नहीं कुछ और पढ़ लें। हिस्ट्री में तो कभी आप पता नहीं कहाँ कहाँ भग जाते हो, है ना, यूपीएससी की किताबें उठा के पढ़ने लगते हो। कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ रिसोर्सेस कंसाइज ही हैं, है ना। तो ये अगर आप इतना कर लिया, अब देखिए, अब आप ऐसा तो नहीं कि पेपर में केवल इतना करके आओगे भाई, मैं अगर अलग से टॉपिक डिस्कस करूं तो कहां कहां से अभी आपके जो एक्स्ट्रा नंबर है भाई, आपकी एक टॉपिक बची हुई है यूपी सेंसस, हालांकि 2019 के पीसीएस में ये सब हटा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे हटा देगा, दिया है तो पूछेगा। यूपी है, सेंसस है, मेडिवल हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको क्या क्या बचा हुआ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, इको इकोनॉमिक्स है ना। इतने सारे पोर्शन बचे हुए हैं और भी बहुत कुछ, इतने सारे, ये सारे स्टैटिक नहीं, इनमें से तो ये भी डायनेमिक है, सेंसस तो मान लो 2011 के हिसाब से होगा, लेकिन जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी ये स्टैटिक पार्ट हो गया, यूपी में अभी क्वेश्चन ट्रेंड चेंज हुआ, इकोनॉमिक यूपी पूछ लेता है, ये भी डायनेमिक है, ये भी डायनेमिक है, ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, तो वो आप डेटा के हिसाब से टेबल भी पढ़ के जाओगे तो भी वहां से कर लोगे। मैं बताऊंगा कि लास्ट टाइम में स्टैटिक वाली चीजें कहां से पढ़िए ताकि आपका फायदा हो जाए। यहां पे पहले हमें इस पे फोकस होना है अगर आप लास्ट के 25 दिन करने हैं। अब मैं थोड़ा सा टाइम डिवीजन आपको बता दूं कि कैसे आपको पढ़ते चलना है। 82 क्वेश्चन बहुत आराम से हो गए हैं, अगर हम 3 क्वेश्चन इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे ना, तुक्का मार के आओगे तो भी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन से ही ले आओगे, तो बहुत आराम से इतना ही पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाना है, उस पर दिमाग नहीं देना है। भूल जाओ कि आपके सिलेबस में यूपी दिया है, भूल जाओ आपके सिलेबस में सेंसस दिया है, भूल जाओ आपके सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया है, भूल जाओ मेडिवल दिया है, एंशियंट दिया है, या फिजिक्स और केमिस्ट्री दिया है, या आपको भूल जाना है कि आपके सिलेबस में है। आपको दिमाग में बिठा लेना है कि मैथ्स रीजनिंग है, करंट है, पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी है, मॉडर्न इंडिया है, साइंस है और एनवायरमेंट है, यही आपके टॉपिक में है, इतना ही चीजें आपको पढ़नी है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको 25 पे करना है। एक बात और समझिएगा, कोई भी पेपर हो, पेपर कोई भी हो, करीबन 30-40% जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, करीबन 30-40% ही क्वेश्चन क्या होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं, ठीक, और करीबन 30-20% है ना, इसे मान के चलिए 35-35 कर सकते हो, इसे 35-40 कर सकते हो, कोई नहीं होगा, करीबन 20% से 30% के बीच में, ऐसे लिख लें, 20-30% के बीच में आपके टफ होते हैं। अब ये समझिएगा, हमें इस पे फोकस नहीं करना है लास्ट टाइम में, ये कुछ भी पूछ ले, ये कितना भी आपका फेवरेट क्वेश्चन पूछ ले, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें यहां से करना है। अगर आप मैक्सिमम जाओ तो 80% और मिनिमम जाओ तो भी 70%, जब आपका सिलेक्शन ये करवा रहा है तो इसमें एक दो क्वेश्चन भी सही कर लिए तो आपका आराम से हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। दूसरी बात, जब आप पेपर में एग्जाम दे रहे होते हो तब आप क्या, बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं इनका सिलेक्शन होता है, वो यही करते हैं, आप भी करो, कि जो आप जब भी पेपर उठाओ सबसे पहले एक बार पूरा पेपर पढ़ते चले जाओ, जो जो आपको आ रहा है वो करते चले जाओ, जो एकदम कंफ्यूजन है या नहीं आ रहा उसे छोड़ते चले जाओ, एटलीस्ट आप पूरा पेपर दे के आओ। और खासकर ऐसे पेपर में जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग पूछता है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग समय ले जाता है, और अगर आप उसमें बच गए तो बाकी आप आसान क्वेश्चन भी छोड़ दोगे। तो सबसे पहले आप आसान क्वेश्चन को ढूंढ के करो, फिर मॉडरेट क्वेश्चन को ढूंढ के करो, फिर जब ये दोनों हो जाए तब तब पे आओ, वहाँ पे 30 मार्का बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को साड़ा नहीं बनना है, ठीक है। फिर भी हम इसे करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 82-85 कर लिए हमें उसे देखने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा रिसोर्सेज के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए, ये आपके 82-85 तो तब आएंगे इधर से, जब आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे। बहुत अच्छे से पढ़ोगे कैसे, आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक मैं वर्ड लिखूंगा, साउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, किस पे, इन सारे पोर्शन पे। और होगा इसके कैसे, वो होगा टेस्ट सीरीज से। जितना ज्यादा आप टेस्ट दे लोगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 25 दिन है तो मिनिमम के मिनिमम 15 टेस्ट तो आप दो ही दो, है ना, 12 से 15 टेस्ट आराम से दो, कहीं भी ढूंढ ढाड़ के कैसे भी। टेस्ट सीरीज की बात करूं तो देखिए,
परीक्षा प्लस टीम ही टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है, ऑलरेडी 200 प्लस लोग उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, इसीलिए आप लोगों के लिए वो टोटल उसका जो फीस था वो 399 था। इसमें नोट्स भी दिया जा रहा है, लेकिन लास्ट टाइम में नोट्स की किसी कोई जरूरत नहीं होगी आपको, आप जो पढ़ते आए हो उसी से पढ़ो, वो ज्यादा बेटर है। इसकी प्राइस रिड्यूस करके 109 में, 1199 में केवल आपका टेस्ट सीरीज दे दिया गया है, ताकि आपको पैसा भी ज्यादा ना लगे और आपके पास हाई क्वालिटी कंटेंट हो। और टीम गारंटी ले रही, इवन मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए 12-13 जो टेस्ट पूरे है, 13 टेस्ट पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आप अच्छे से पढ़ के गए तो कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो और पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने प्रोडक्ट का ऐड कर रहा हूं, आप जाओ जो आपको अच्छा लगे, जहां भी अच्छा लगे वो आप जाकर टेस्ट सीरीज करें। तो लेकिन मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए, टेस्ट सीरीज दो, आप अच्छी टेस्ट सीरीज खरीदो जिसके क्वेश्चन लेवल अच्छे हों, क्वेश्चन में वेरिएशंस हों, सारे पैटर्न को फॉलो करें, वो टेस्ट सीरीज आप खरीदो। लेकिन टेस्ट सीरीज आप लो जिसका भी आपको अच्छा लगे वहां से लो, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप परीक्षा प्लस ही लो, मेन है आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो साउंड प्रैक्टिस जरूरी है, जरूरी है आप इतने टॉपिक कवर करो और उस पर प्रैक्टिस करो। और आप शुरुआत में अगर 25 दिन है तो शुरुआत के 5 डेज आप एकदम उठा लो कि ये पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, सोर्सेस में बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, 5 दिन में ये पूरा आप अच्छे से उठा लो, पढ़ दो, और उसके बाद जो आपका 20 दिन बचे, 21-22 दिन बचे, उसमें आप डेली के 2 घंटे टेस्ट सीरीज का लिए निकाल लो, डेली के 2 घंटे टेस्ट देने का और 1 घंटा एनालिसिस का, मतलब आपके डेली टाइम पीरियड में, पढ़ने के टाइम पीरियड में, वहां पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दूं, डेली रूटीन में आपके डेली स्टडी प्लान में आपका कम से कम 3 आवर टेस्ट सीरीज का होना चाहिए। केवल और केवल टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलवाती है, क्योंकि ये आपका टेम्परामेंट बनाता है, ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है, ये आपको गलतियां कहाँ नहीं करना है वो बताता है, और यही आपके मेमोरी को एनहेंस करता है। ये कैसी चीज होती है, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस हो रहा हूँ। कोई भी लो, अच्छे टेस्ट सीरीज लो, ऑफलाइन दो, ऑनलाइन दो, कैसे भी लो, लेकिन आप टेस्ट सीरीज दो। इसने पोर्शन पढ़ने के बाद सोर्सेस में एक बार जल्दी से बता देता हूं कि कहां से आप अपने सोर्सेस को कवर करो। देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि आप जहां से पढ़ते आए हो, जो नोट्स बनाए हो, अगर किसी ने नोट्स बनाया है तो वो सबसे ज्यादा सिंसियर बंदा है, सबसे अच्छा बंदा है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और आप अपने नोट्स से ही रिवीजन करो। कोई भी आपको बोले नहीं ये हम 2 दिन में ये पढ़ा देंगे, 3 दिन में ये कर देंगे, ये मटेरियल दे देंगे, ये किताब बहुत अच्छी है, एकदम फॉलो मत करो, आपके द्वारा बनाए हुए नोट्स ही सबसे ज्यादा काम आएंगे। कारण क्या है, जब आप पढ़ रहे होते हो, नोट्स बनाते हो, तो आपके दिमाग में, आपके इंट्यूटिव माइंड में वो इमेज बन जाती है। आप अगर नीले पन से लिखे होगे ना, तो एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो याद आएगा कि आप अपने कॉपी के इस वाले कोने पे ये वाली इंफॉर्मेशन आप ऐसे लिखे थे, और वो हेल्प करता है आपका एक्यूरेसी मेंटेन करने में, आपकी चीजें सही करने में। डिफरेंट टाइप के सोर्सेस आप उठा लोगे, उसकी इमेज वॉश होकर नई इमेज आएगी, ना ये इमेज रह जाएगी ना वो इमेज रह जाएगी, और आप एग्जाम में आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस कारण से अगर आपने नोट्स बनाया है तो यू आर द मोस्ट सिंसियर पर्सन, आप उसी को पढ़ो। और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है, जो लापरवाह है, उनसे अभी भी बोल रहा हूं कि एकदम देर नहीं हुई है, अंतिम के 24 से 25 दिन अगर आप केवल इतने पोर्शन को पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, और डेली के 10 से 12 घंटा पढ़ लिए, तो बड़े बड़े पढ़ने वालों को भी आप पीछे छोड़ सकते हो। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप उस कंटेंट को, प्रिसाइज कंटेंट उठाओ और इतना ही पढ़ो। वो टॉपिक, ऐसी टॉपिकें होती हैं जो आप अगर कभी भी पढ़े हो, सुने होते हो, तो वहां से 20% क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हो, सिलेक्शन आपका यही दिलाता है, और जब आपका ये क्वालिफाइंग नेचर हो। तो अगर मैथ्स रीजनिंग है, मैथ्स रीजनिंग की जल्दी से बात कर लें, अभी तक सी सेट में जितने प्रश्न हुए हैं UPPSC के, वो सारे के सारे सॉल्व कर डालो, नई किताब लगाने की जरूरत नहीं है, नया चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी का नया वीडियो और ये सब देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कहीं आपको प्रीवियस ईयर के वीडियो मिले तो वो जरूर कर डालो, इवेंट टीम भी करा देगी। या घटना चक्र, सबसे अच्छा अब समय आ गया है घटना चक्र उठाने का, आप घटना चक्र उठा डालो, वहां से प्रीवियस ईयर सब लगा डालो। सी सेट की बात कर रहा हूँ, UPPSC आयोग एक नया क्वेश्चन फ्रेम करने नहीं जाएगी, उसके पास इतना समय नहीं है, सी सेट के ही प्रश्न घुमा घुमा के पूछेगी, नहीं प्रश्न तो उसका कॉन्सेप्ट भी सेम रहेगा। और अगर आप केवल वो कर लिए तो इसमें से कम 80-90% प्रश्न आप कर ले जाओगे। करंट आप जो भी सोर्स पढ़ते आए हो वही अच्छा है, तरीका ये है कि आप डेली 2 घंटा पढ़ो,
और उसे बार बार पढ़ो और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। परीक्षा प्लस जो अवेलेबल करा रही है 600 प्लस की श्रृंखला, हर महीने में 600 प्लस के एमसीक्यू होते हैं, वो आप करो। रमन सर भी क्लास करवाते हैं, आप उससे करो। सारी पीडीएफ कलेक्ट कर लो, नहीं है पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक लगी है, वहां पर जुड़ जाइए। सारी की सारी पीडीएफ लगी हुई है, या हमारे परीक्षा प्लस ऐप पे भी सारे सारे 600 प्लस सीरीज के करंट अफेयर्स लगे हुए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इसे जरूर पढ़िए, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। लास्ट टाइम में पॉलिटी के लिए आपका जो सोर्स है वो पढ़िए, जान मैं उसके लिए नया सोर्स नहीं बोलूंगा, जहां से पढ़ते आए हैं वहीं से पढ़िए। कोई लूसेंट पढ़ता है, कोई एम लक्ष्मीकांत पढ़ता है, एम लक्ष्मीकांत पढ़े होगे तो नोट्स बनाए होगे, लूसेंट पढ़े होगे तो नोट्स नहीं बनाए होगे, लूसेंट दोबारा पढ़ लो, मोर देन सफिशियंट है। कुछ लोग एनसीईआरटी सार महेश बड़वाल की पढ़े होंगे तो वो है, तो वही पढ़ लो। जो भी आपका रिसोर्स है वहीं से पढ़ लो, मैं नया सोर्स बताने नहीं आऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी का भी नया सोर्स मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट टाइम में आप जो पढ़ते आए हो वही पढ़ो, ठीक है। ऐसे मॉडर्न इंडिया का है, साइंस और बायो पोर्शन के लिए मैं स्पेशली बोलूंगा कि ये आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो घटना चक्र उठा लो, घटना चक्र उठा लो और यहां से प्रीवियस ईयर केवल बायो बायो के करके चले जाओ, बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। और घटना चक्र तो इन सब का एक बार तो एटलीस्ट लास्ट के 4-5 दिन में समय मिला के इन सब का, ये सारे टॉपिक का घटना चक्र से क्वेश्चन एक बार उठा के पढ़ के तो जाना ही। और एनवायरमेंट का भी ऐसे, एनवायरमेंट में जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं बहुत ज्यादा है, पतली सी किताब है आपकी, वो भी कर सकते हो, परीक्षा वाणिज्य उसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं सोर्सेस पे बहुत ज्यादा वो नहीं करूंगा। जहां से भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए, जो पढ़ते आए हो वो पढ़िए, सोर्सेस पे बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जिसमें आप जो आपको देखने में अच्छा लग रहा है, जहां पे आप कॉन्फिडेंस फील कर लो, वहां से चीजें आप बार-बार उठा लो। तो 25 दिन का जो 24 से 25 दिन में 5 दिन में आपको ये करना है, बाकी 20 दिन में इसी को बार-बार रिपीट करना है, लेकिन डेली 3 घंटा टेस्ट सीरीज के लिए निकालना है, 2 घंटा करंट के निकालना है, दिन के 5 घंटे में टेस्ट सीरीज और करंट इंक्लूडेड होने चाहिए। अगर इतना कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी आप इन्हीं को बार-बार रिवाइज करो। जब आपको लगे कि नहीं आप में इतना कॉन्फिडेंस हो गया है, तो जो स्टैटिक वाले पोर्शन है आप वहां से पढ़ लो। स्टैटिक पोर्शन में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आप कोई भी किताब उठाओगे तो स्टैटिक टेबल बना होता है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ग्रासलैंड हुआ या ट्राइब्स हुए अलग अलग जगह के, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में वहां से आप चीजें टेबल आप पढ़ के चले जाओ। मेडिवल और एंशियंट में भी ज्यादा मैं आपको नहीं बोलूंगा, बहुत सारी बुक होती है लास्ट में टेबल बना देते हैं, हमारे बुक है परीक्षा प्लस में, उसमें टेबल बना हुआ है बाकायदा, कौन सबसे पहले आया, कौन कहाँ का वो बना पहला शासक हुआ, कौन सा किंग है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मेडिवल से भी होते हैं। एंशियंट में थोड़ा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो वहाँ से भी अगर आप केवल देख लेते हैं, इसमें तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वहाँ से भी देख लेंगे केवल टेबल से तो भी आपका हो जाएगा। बाकी सेंसस कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो भी बहुत ज्यादा, एक बार आंकड़े सारे देख के चले जाओ, लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है, खासकर बालक का, महिला का, इन सबका लिंगानुपात वगैरह, या पॉपुलेशन वगैरह, बढ़ते हुए क्रम घटते हुए क्रम, एक बार चार पांच का देख लो कि डेंसिटी के हिसाब से, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से 5 राज्य कौन से हैं, या पॉपुलेशन के नंबर के हिसाब से कौन से 5 राज्य हैं बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में। ये सब स्टैटिक डेटा है, जो आप 2 दिन भी समय निकाल के देख लोगे तो कम से कम 20-30% क्वेश्चन वहाँ के सही करके आ जाओगे, बाकी आप दिन भर भी देखते रहोगे तो भी 30-35% ही करोगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो ये आपका कुछ खास स्ट्रेटजी था जो मैं 24 से 25 थोड़ा कम समय में बताने की कोशिश किया हूँ, हालांकि समय कम होता है मेरे पास भी, आप लोगों के पास भी, लेकिन फिर भी कम समय में ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प करने की हमें आदत डालनी चाहिए। अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे से करोगे। इमोशनली टच नहीं होना है हमें, अपने टॉपिक से इमोशनल टच नहीं होना है कि ये टॉपिक मेरी फेवरेट है, मैं इसे कैसे ना पढ़ूं, जाने दो मेडिवल, जाने दो एंशियंट, जाए हमें मॉडर्न अगर दिला रहा है तो हमें मॉडर्न ही पढ़ना है, हमें पॉलिटी दिला रहा है तो पॉलिटी पढ़ना है, मैथ्स नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है। इसके अलावा भी हमारी जो टीम है वो टारगेट 90 का एक प्लान चला रही है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा, और उसमें ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा समय, पूरा टीम सोच के रखी है कि बहुत ज़्यादा, तो 20 घंटे की वीडियो उसमें बनाएगी, 20 सब मिला के आधे आधे घंटे की रिवीजन क्लास बनाएगी, रिवीजन क्लास स्पेशली बेस्ड ऑन BU है ना, इसमें आपका पूरा का पूरा 22 दिन 23 दिन का होगा, इसमें करीबन 20 घंटे की वीडियो देगी। और ये जितने भी चैप्टर, इधर मैंने टॉपिक बताए थे आपके 6 टॉपिक बताए थे, उन पूरे के पूरे 6 टॉपिक को, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार कवर कराया जाएगा। जो मैथ्स और रीजनिंग पोर्शन है उसके लिए
पूरा सीसेट का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा, इवन मैथ्स में सॉल्व करा दूंगा, साइंस में सॉल्व करा दूंगा, रीजनिंग आशीष से सॉल्व करा देंगे, पॉलिटी हुआ रमन सर, ज्योग्राफी रमन सर सॉल्व करा देंगे। मुश्किल से 20 से 25 घंटे की वीडियो होगी, वो भी 25 दिनों में 25 घंटा आपको निकालना है, बाकी नहीं निकालना है। एक बार आप पढ़ लेंगे, दो तीन बार वीडियो देख लेंगे तो आपका बहुत ही ज्यादा वो यूजफुल होगा। टारगेट 90 के नाम से ये प्लान हम लोग का चल रहा है, आपको वीडियोज मिलना जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पुश बटन दबा ले बेल आइकन, तो उससे आपको पता चल जाएगा प्रोग्राम वगैरह के सबके बारे में। बाकी आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, फुल एनर्जी के साथ पढ़िए, सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़िए। कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, फेसबुक से जुड़ जाइए, जिस भी माध्यम से जुड़ सकते हैं उस माध्यम से जुड़ जाइए, लेकिन पढ़ते रहिए। धन्यवाद।